आलमी हर्बल दवा खाने की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आलमी हर्बल दवा खाने के यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है नाफ़ की एक बीमारी के साथ जिसका नाम है अम्बलिकल डिस्प्लेसमेंट नाफ़ टलना यानी नाफ़ का टल जाना और कई दूसरी ज़ुबानों में इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इस मर्ज़ में नाफ़ टल जाया करती है लेकिन डॉक्टरी किताबों में इस मर्ज़ का कोई ज़िक्र नहीं दिया गया है इसलिए डॉक्टर लोग इसको मर्ज़ भी ख़्याल नहीं किया करते हैं। हालांकि नाफ़ का टल जाना एक बाज़ बीमारी है यानी एक ख़ास मर्ज़ है और इसके लिए मालिश करना बेहद मुफीद होता है नाफ़ पर और नाफ़ को नीचे की तरफ दबाकर मालिश करें ताकि वो दरमियाने हिस्से में आ जाए। नाफ़ की दुरुस्तगी की वाज़ अलामत ये हुआ करती है कि नाफ़ और दोनों पिस्तानों का फ़ासला बराबर बराबर होना चाहिए। अगर साथ ही में मरीज़ को कब्ज़ की शिकायत हो जैसे कॉन्स्टिपेशन और इसहाल या नफ़ से कम फ्लूटुलेंस या डायरिया जस्त या अफारा जैसी कोई शिकायत हो तो इसका भी मुनासिब इलाज करें और मरीज़ को ज़ूद हज़म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कराएं। अगरचे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाना भी ना भूलें ताकि आने वाली और मौजूदा तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप उससे पूरा फ़ायदा हासिल करते रहें। और हमारे चैनल पर 5 ज़ुबानों में वीडियो मौजूद हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, संस्कृत। किसी ज़ुबान की वीडियो देखकर आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा वीडियो चाहने के लिए हमें अपना फ़ोन नंबर और अपना पता, नाम और पता दें, हम आपके पते पर आपके नाम की वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और खाने में हमेशा एहतियात किया करें, शाम का खाना कम मिकदार में लें, हैव ए लाइट डिनर, च्यू द फूड मोर, खाने को ज़्यादा चबा कर लिया करें, अवॉइड टेकिंग स्पाइस एंड फैट, हमेशा चिकनाई और मसाले का इस्तेमाल तर्क रखें और लेसन द लॉर्ड ऑफ स्टोमक विद योर टीथ, दांतों का काम दांतों से और मेदे का काम मेदे से लें और खाने को ज़्यादा चबा के लें। टेक वाटर 1 आवर्स आफ्टर द फूड, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी का इस्तेमाल करें और पानी कभी खड़े होकर इस्तेमाल ना करें। और इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। आदाब।